हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है पिता माता दिवस जायान में, एंड आई एम वेयरिंग दिस सूट टुडे। एंड वर्शिप का टाइम है 1 बजे का। मेरे घर से जायान 7-8 मिनट्स ही दूर है, एंड आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग इन 5-10 मिनट्स, आई मीन 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। एंड मैं आपको मिलती हूँ जायान से फ्री होके। मैंने मेरे ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बट मैं आके करूंगी। आई एम नॉट हंग्री, बस जाते जाते नारियल पानी पी लूंगी। आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून। आई लव यू। सेम, हमारी नारियल पानी और एक मैं पैक करवा रही हूँ अपनी बॉटल में डालने के लिए। सो माय वर्शिप इज ओवर। मैं आई थी 8 बजे जायान, एंड नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट 5:40, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर सम शॉपिंग। आई गॉट दिस, ये मुझे इसके अंदर एक सैंडविच है, देखना चाहेंगे खाने का है इसमें थोड़ा सा सामान। और मैं ये हाफ खा चुकी हूँ, और मैंने चाय भी पी थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। एंड नाउ आई एम गोइंग, आई सी यू गाइस, सी यू गाइस सुपर सून। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है घर के लिए, कुछ सामान लेना है क्योंकि सब खत्म हो चुका है। मिलती हूँ आपको बाद में। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hey, good morning everyone, and God bless you, and have a beautiful day ahead. I'm gonna see you guys super soon. Hello everyone, so I'm having my green tea morning mein. It's for detoxing. Detox kar di thi pura skin ka. I'm not drinking healthy water. I'm drinking this green tea. Iske saath maine 2 spoon honey dale hain. It's really amazing to start my day. See you. Main nha ke ho gayi hu ready, and now I am planning to do my face exercises, and I'll show you today how I do my face exercises taki aapko bhi help mile and aap bhi face exercises kare. I'm flying Udaipur. उदयपुर से 2 घंटे का एक रास्ता है जहाँ पे मैं जा रही हूँ फॉर सम इवेंट, एंड इट्स या फॉर सम इवेंट। सो मैं आपको अपडेट दूंगी बहुत जल्द इस बारे में। कल तो हम जा ही रहे हैं तो आपको पूरा व्लॉग दिखेगा ही। सो अभी जो हम करने वाले हैं वो है फेस एक्सरसाइजेस। आई एम गोना सी यू इन अ मिनट। फर्स्ट एक्सरसाइजेस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको अपने मुंह के अंदर पूरी हवा भर लेनी है, और अपने जो लिप्स है वो पाउट ऊपर की तरफ को होना चाहिए, नीचे की तरफ को नहीं, ऊपर की तरफ को। हम ये एक्सरसाइज करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। वन, 3 times करना हमें ये। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके फेस पे हल्का हल्का खिंचाव होगा, बिकॉज हवा को अच्छे से मुंह में भर के
उसको पॉज लेना है, ब्रीथ नहीं करना है 10 सेकेंड्स के लिए, और फेस की जो मसल्स हैं वो आपकी हल्का हल्का स्ट्रेच, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्ट्रेस होता है फील बाद में, वो हल्का हल्का फील होगा, इससे आपका स्किन टाइट रहेगा एंड इट्स वेरी, और जो ग्लो है वो अंदर से आएगा इट्स एक्सरसाइज से, सो मेक श्योर यू डू इट. सेकेंड एक्सरसाइज इस 10 बार के, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसको 4 टाइम्स करना है, 1 2 3 4, ये हम 10 बार करेंगे. रेडी, और ये जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम हवा भरेंगे अपर लिप में और लोअर लिप में, और 10 सेकेंड्स के लिए 3 बार करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुंह से हवा भरनी है, मुंह से ही बाहर, सो हाउ वी गोना डू इट. इसे हम 5 बार करेंगे, मुंह से सांस अंदर तक लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे एंड फिर बाहर. हम कर चुके हैं 5 बार. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 10 सेकंड्स के लिए रोकेंगे 2 बार एक्सरसाइजेस. से 2 बार करेंगे, 2 बार कर चुके हैं हम. जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डबल चिन के लिए और जितना भी यहाँ पे फैट होता है उसके लिए. हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, सबसे पहले पाउट बनाएंगे एंड गर्दन ऊपर करेंगे फिर पाउट बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टेन सेकेंड्स के लिए ये एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड फॉर स्किन, इट्स वेरी नाइस. सो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें प्रेस करने से फेस पे ग्लो आता है गाइस, तो ये एक्सरसाइज जो हम करेंगे, ये जो आपको बोन दिख रहा है उसके ऊपर हल्का सा 2 फिंगर्स लेंगे और उसे ऐसे प्रेस करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए. क्लोज योर आइज एंड कीप ब्रीदिंग, आँखें बंद करके गहरी सांस ले दे रही है. उसको अभी हल्का हल्का सा गोल गोल घुमा लीजिए 20 सेकेंड्स के बाद. ये एक पॉइंट होते हैं और हमारे जो सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज है, हमारी जो 4 उंगलियां हैं उनको ऐसे करके पीछे से नेक के पास से जो हमारी बोन है उससे हल्का सा आगे को लेके आई है. ये हम करेंगे 5 से 6 बार. बहुत रिलैक्स हो जाती है गर्दन, इट्स वेरी गुड फॉर योर नेक, ट्राई. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा है वो हमारे कान के जस्ट पीछे, ये जो हिस्सा है इसके पीछे यहाँ पे 2 फिंगर लेंगे और इसको प्रेस करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स दोनों साइड से. हल्का हल्का सा आपको पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए और eyes close and relax your body and your mind and keep breathing.
कभी हल्का हल्का सा 20 सेकेंड्स होने के बाद घुमा दीजिए. ओके सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, सो ये एक्सरसाइज हमारे चिन के लिए और हमारी ये वाली बोन है तो उसके लिए ये शेप आए. सो व्हाट वी हैव टू डू इज ऐसे अपने हाथों को शेप में बनाइए एंड ऊपर को 5 से 6 बार कर सकते हैं. आप ऑयल भी लगा सकते हैं अपने फेस पे ये सब एक्सरसाइज करते हुए या फिर इसको बिना ऑयल के भी कर सकते हैं बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता. आप फेस क्रीम ज़रूर लगा के रखिएगा फेस पे क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए आपकी स्किन सिर्फ फेस वॉश करके आएंगे तो स्किन बहुत ड्राई या फिर अच्छी नहीं होती है. मेक श्योर कि आप क्रीम ज़रूर फेस पे अप्लाई किया हुआ हो ये एक्सरसाइज करने से पहले. नेक्स्ट हमने क्या करना है ये हमारे अंडर आई के लिए है. यहाँ पे 2 फिंगर्स लीजिए और इसको यहाँ पे रखिए और हल्का हल्का से इसको प्रेस कीजिए बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया है 20 सेकेंड्स के लिए. हल्का हल्का राउंड राउंड भी घुमा सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे थोड़े मोरे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं. मैंने आपको बताया था कि क्यों आए हैं. स्टिल आई एम नॉट वेयरिंग. हमारी ये पहले 2 उंगलियाँ यहाँ पे रख लेंगे उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पे 20 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे. That's it. ये एक्सरसाइजेस थी यही तक. ये आज मैं फेस मसाज नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ फेस एक्सरसाइजेस की हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ बिकॉज मुझे जाना है बाहर जाके बिकॉज फेस एक्सरसाइज थी वो हो चुकी है. मुझे बस एक दो रील्स बनानी है फॉर माई इंस्टाग्राम एंड वो बनाने के बाद आई एम फ्री. सो सबसे पहले मैं बनाऊँगी रील्स बिकॉज मेरे बाल काफ़ी हद तक सूख चुके हैं एंड कल मैंने ऑयलिंग की थी उसके बाद बाल बहुत अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हैं. अभी ये प्रॉपरली सूखे नहीं हैं थोड़े थोड़े गीले हैं तो मैंने सीरम भी लगा लिया है. सो आई लव माय हेयर. आपको मेरे बाल कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड और आपको वीडियोस मैं कौन कौन सी दिखा सकती हूँ वो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा. किसी ने मुझे लिखा था कि प्रैंक वीडियोज़ राइट. सो प्रैंक वीडियोज़ का मैं अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है बट आफ्टर दिस इवेंट आई ट्राई एंड प्लान कि मैं प्रैंक वीडियोज़ भी कर सकूँ अपने दोस्तों के साथ. सो होप फॉर द बेस्ट. मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद. सी यू बाय लव यू. सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ तो गड़बड़ किया है. मैंने टॉप को टी शर्ट बोल दिया. सॉरी अबाउट दैट. सो I'm wearing this top. It's a crop top but it's very visible so I'm planning to change this because it's hot as well so ye bahut gandi lagegi mujhe. So I'm gonna change my top. Isme maine kuch reels bana liye hain. Excuse my roommate. Maine kuch reels bana liye hain. I'm gonna post today on my Instagram of course. Don't dekhna mat bhuliyega mere Instagram pe main reel post karungi and mujhe comment karke zarur batayega aapko इसमें रील्स कैसी लगी. सी यू सुपर सून. आई एम गोइंग आउट नाउ. आई एम गोना हैव समथिंग. आई गो आउट. मेरा प्लान था सैंडविच बनाने का. एग खत्म हो गया घर पे. मुझे एग मंगवाने हैं. मेरे याद ही नहीं रहा मुझे एग मंगवाने हैं. सो आई हैव टू गो. आई हैव टू चेक एग सलामी लानी है मुझे. आई एम गोइंग फॉर इवेंट टुमारो. सो सोच रही हूँ वापस आके करूँ. सो अभी मैं जाके कुछ खाने वाली हूँ और क्लोथ्स लेने वाली हूँ. एक टॉप और एक जीन्स में बस है. एक टॉप ले लूँगी वापस आने के लिए. मेरे पास कुछ अच्छा टॉप चाहिए जो फुल कवर्ड हो और अच्छा हो. सी यू गाइस सुपर सून. बाय लव यू. सो नाउ आई एम लीविंग. आई एम गोइंग आउट. आई एम गोना हैव माय सैलेड. मैं वो मील रखने वाली हूँ थोड़े दिन के लिए फॉर माई सेल्फ. आई एम गोना हैव सैलेड एंड आफ्टर दैट आई हैव टू मीट
my friends, because tomorrow I'm going for one day only, but still I have to meet my friends kyunki kitne din se main nahi mile hu. So let's see, let's go. So पहले मैंने ब्लैक टॉप पहना था, उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, वो बहुत गर्म था. This top and today I'm wearing t-shirt also. ये मैंने श्रग की तरह पहन ली एंड गर्मी लगेगी तो उतार सकते हैं लाइक दैट और ठंड लगेगी तो पहन सकते हैं लाइक दैट. बैग अंदर है, बैग मुझे बाहर करना है. सी यू. वेदर इतना प्यारा हो रहा है, लाइटिंग बहुत मस्त है, वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है आज बॉम्बे में फिर से. सी यू.